तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माता जी का भजन, जिसकी बहुत सारी कमेंट भी आ चुकी हैं। तो आइए आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इस भक्ति को अपने कैसियों के ऊपर। दोस्तों ये भजन स्टार्ट होने से पहले इसमें एक म्यूजिक पार्ट प्ले होता है, फिर उसके बाद ये भजन पूरा स्टार्ट होता है। तो वो जो म्यूजिक पार्ट है उसका मैं इसमें स्ट्रिंग का यूज करूँगा, तो आप इसको अपने हिसाब से जो आपको टोन अच्छा लगे आप उसमें उससे आप म्यूजिक पार्ट को बजा सकते हैं, क्योंकि टोन की कोई भी पाबंदी नहीं होती कि आप इसी टोन से बजाएं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इस पहले हम टोन को, तो टोन जो है तो देखेंगे स्ट्रिंग में कैसे प्ले होगा। तो मैं इसको आपको सिखाने के लिए इसमें हम 27 नंबर का अपना हारमोनिका ले लेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए टोन भी। तो देखेंगे स्लो में करके जी शार्प से प्ले होगा। तो सुर में करके एक बार हम इसको और सीख लेंगे। तो दो लाइन है म्यूजिक पार्ट की, फिर उसके बाद एक फ्लूट की भी म्यूजिक पार्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा भक्ति स्टार्ट हो जाती है। तो देखेंगे सुर में पहले करके इस वाली लाइन को कैसे प्ले होगा। दूसरी लाइन, अब दूसरी लाइन जो इसकी फ्लूट वाली हो कैसे प्ले होगी। इसको भी हम वही हारमोनिका भी सीखेंगे। आप चाहें तो इसमें आप टोन को बदल बदल कर प्ले कर लीजिए, बस हारमोनिका में आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए मैं टोन पे आपको हारमोनिका पे ही सिखा रहा हूँ। तो देखेंगे इस वाली म्यूजिक पार्ट को। तो सुलो में करके एक बार और उसको सीखेंगे। बार और सुलो में करके, तो उसके बाद हमारे भजन की पहली लाइन स्टार्ट होता हो जाती है। तो देखेंगे सुलो में करके कैसे प्ले होगा वो। ये इस गीत की पहली लाइन, इसको सुर में करके हम सीखेंगे। तो देखेंगे कैसे प्ले होगा यफ शार्प से। सुर में करके एक बार और इसको सीख लेते हैं। इसको हम करके सीख लेते हैं। फिर उसके बाद एक और म्यूजिक पार्ट आता है जिसे हम बीच का म्यूजिक भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद अंतरा स्टार्ट हो जाता है। तो बीच वाला म्यूजिक इसका कुछ इस प्रकार से वो भी स्ट्रिंग में ही प्ले होगा कुछ इस तरह की ऐसे। इस वाले म्यूजिक पार्ट को हम सीखेंगे स्लो में करके कैसे प्ले होगा। देखेंगे स्लो में यहाँ से प्ले होगा एफ नोट से। एक बार और स्लो में करके इसको सीख लेते हैं। फिर उसके बाद वाली जो अगली लाइन कैसे प्ले होगी। तो सुलो में करके इस लाइन को भी हम सीख लेते हैं कैसे प्ले होगा। तो
बार पूरे म्यूजिक पार्ट को हम सीखेंगे स्लो में करके। फिर उसमें आप चाहें तो इसके बाद जो आता है उसके बाद आप क्लारिनेट या सैक्सोफोन को अभी यूज कर सकते हैं टोन का म्यूजिक पार्ट के तौर पे। वो प्ले हुआ है वही सेम मुखड़े पार्ट की तरह। अब इसके बाद हमारा अंतरा स्टार्ट होता है। अंतरे की जो पहली लाइन है कैसे प्ले होगी देखेंगे स्लो में करके। इसके बाद भी एक म्यूजिक पार्ट है। तो अंतरे का सुल में हम करके सीखेंगे कैसे प्ले होगा। तो ए नोट से हमारे अंतरे की स्टार्टिंग हुई है तो देखेंगे सुल में करके अंतरे को भी। तो एक बार और सुल में इसको करके हम सीख लेते हैं। बाद एक म्यूजिक पार्ट होता है कैसे प्ले होगा एक बार और सुनो में। फिर वही प्ले होगी हमारे अंतरे की लाइन। उसके बाद तो इस लाइन को भी हम सीखेंगे स्लो में करके कैसे प्ले होगा। यहाँ से हमको F शार्प से डायरेक्ट C शार्प बजाना है कैसे। एक बार और हम अंतरे को सीख लेंगे पूरे को कैसे प्ले हुआ है अंतरा हमारा देखेंगे। तो दोस्तों पूरा हमारा भजन तैयार हो चुका है, इसका म्यूजिक पार्ट भी, अंतरा भी और मुखड़ा पार्ट भी। तो आई होप दोस्तों को आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉन्ग को बजाना अपने कैसियों के ऊपर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लें शुरू से, आपको समझ में आ जाएगा। तभी हमने इसको जो पार्ट बाई पार्ट करके सीखा, अब इसको हम पूरा एक बार प्ले करके भी देखेंगे और उसके बाद जो अगला अंतरा इसका प्ले होगा वही शुरू वाली म्यूजिक पार्ट प्ले करने के बाद फिर वही अंतरा इसका प्ले हो जाएगा। तो इसको हम एक बार पूरा प्ले करके देखेंगे कौन से टोन कहाँ पर लगते हैं, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए और आप अपने हिसाब से टोन को एडजस्ट कर सकें। तो आइए पहले हम म्यूजिक पार्ट को देखेंगे अपने स्ट्रिंग में करके। फिर इसके बाद आप चाहे स्ट्रिंग ले सकते हैं या आप वायलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें वायलिन टोन लूंगा दूसरी म्यूजिक पार्ट के लिए।
उसके बाद जो इसका अगला अंतर है वही आप ये वाली म्यूजिक पार्ट प्ले करने के बाद आप अंतर को बजा सकते हैं ये वाली। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से आपको इस भक्ति को बजाना अपने कैसियो कीबोर्ड के ऊपर आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक कर दें और चैनल को आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाली घंटी को भी बजा दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको मिल जाए बगैर किसी देरी के। तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और गाने के साथ, तब तक आप इस गाने का अच्छे तरीके से रियाज करिए और खुश रहिए।